हेलो जी, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। की हाल है? ठीक हो ना? खुश हो? ठीक ठाक हो? तो जैसा कि भाई साहब काफी अरसे के बाद दोबारा से एक व्लॉग आ रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जो अभी मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ तो सांस क्यों इतना चढ़ा हुआ है यार? मुझे समझ रहे हो ना मुझे? तो व्लॉग हम लोग आज बना रहे हैं, मौजू का ही नहीं है, बस खचिंग मारनी है बीच में। बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। बाकी आप लोग देख सकते हो यार, मैं आज आप लोग सोच रहे हो कि मैं धूप पे क्यों खड़ा हूँ। धूप पे मैं इसलिए खड़ा हूँ भाई, मुझे गर्मी ही नहीं लग रही है मुझे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और बारिश हुई है काफी रात को, और सुबह तक बारिश लगी हुई थी और अभी बारिश नहीं है। तो सुबह मूड था बनाने का व्लॉग, लेकिन थोड़ा काम आ गया था, काम के सिलसिले में गया और गया। अभी मैं वापस आया हूँ और अभी जो है व्लॉग बना रहा हूँ। बस क्या करें, खाना वाना खाया था, बैठा हुआ था, मैंने सोचा चल यार व्लॉग बना लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी समेक्सी किस्म का मौसम हुआ है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है और सामने मोटरवे पे गाड़ियाँ चल रही हैं, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये नीचे आप लोग देख सकते हो कितना मज़े का मस्जिद तैयार हो रही है, और इस साइड पे छांगे मांगा का जंगल है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल है छांगे मांगे का, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हिरन, शेर, हाथी और पता नहीं क्या से कौन कौन से जानवर हैं। Anyway, अभी तक आप लोगों ने यूसुफ वर्ल्ड व्लॉग गैंग ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो। आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था यार 100 सब्सक्राइबर करवा दो, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाए। नाराज हूँ भाई आपसे, तभी मैं व्लॉग लेट कर रहा हूँ ना, नाराज हूँ आपसे। जरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, 200-300 सब्सक्राइबर पे लेके जाओ, फिर डेली व्लॉग आया करेंगे। पार्टी बदल लिया साला। 100 में इतने 100 सब्सक्राइबर्स में इतने ही व्लॉग आते हैं भाई, और ऐसे ही आते हैं। जरा सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो तब जाकर व्लॉग आया करेंगे। तो ज्वाइन कर लो व्लॉग गैंग, यूसुफ वर्ल्ड व्लॉग गैंग, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और सब्सक्राइब कर दो। लाल बटन को जो है ग्रे कर दो और घंटी को पिंपड़ी बजाओ। तो चलते हैं अभी नीचे, थोड़ा देखते हैं क्या काम वाम है। तो फाइनली भाई साहब हम लोग नीचे आ चुके थे और हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, काम हमारे पास कुछ नहीं था और अभी हम लोग नीचे आए हैं। यहाँ पर ऑर्डर आया है, ऑर्डर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी जो है ना लिपट वालों का कोरियर है, और ये मैं कल ले आया था और आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने कराची से कुछ इत्र मंगवाई थी, वो अभी जो है ना मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कैसी हैं और आप लोगों को भी बताता हूँ। इत्र फोन करते हैं, पैक खोलते हैं और बताते हैं आपको इनकी क्वालिटी के बारे में और क्या है क्या नहीं है, वो देखो क्या रहता है। अभी फ़िलहाल इसको थैली को निकालते हैं इसमें से, और इस पैकिंग में आई है भाई जान, ये क्या है यार, कैसी पैकिंग है? तो पैकिंग के अंदर थोड़ा सा मसला है, पैकिंग थोड़ी अच्छी कर लेते तो ठीक था। ये मैंने मंगाई है खुशबू बाज़ार से, कुछ अतर्स हैं जो मैंने मंगवाई थी, और अभी ओ शिट, ओ सब कुछ उड़ के चला गया यार। ये क्या हुआ, सब कुछ उड़ के चला गया, पैंस की दम सब कुछ उड़ गया। तो अतर मंगाई है मैंने काफ़ी, इनके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था, और इनकी अतर जो है ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग वाली होती हैं, 15-15, 20-20 घंटे बदबू से बदबूदार बंदे से भी खुशबुएं आती हैं ये अतर लगा कर। और देखते हैं, हमने भी मंगवाई हैं, रिव्यू करते हैं कैसी अतर हैं। और देख सकते हो आप लोग, मेरे पास कोई दूसरा बंदा नहीं है कि मैं उसको साथ में लगाऊं। और यात्रा खोलूं तो ये पाँव के साथ भी लग रही हैं, बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी खोलनी तो है, खोलनी तो है यात्रा, अभी देखते हैं कैसी हैं। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, देखते हैं
कैसी है ना। तो 6 अतर्स मंगवाई हैं मैंने, देखते हैं कैसी हैं। और अतर्स तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और ये मैं इधर रख लेता हूँ, और 3 जो है ना ये मंगवाई हैं। इनके अंदर हैं, ये कचरा साइड पे कर दूँ, फिर मैं ये टोपियाँ भेजी हैं इन्होंने। अच्छा ये टोपियाँ भी आई हैं, ठीक है टोपियाँ आई हैं। और बाकी क्या क्या है यार। अच्छा तो ये एक हमारे पास आई है जिसका नाम है वाइट मुश्क, जो कि खुशबू में तो काफ़ी अच्छी है यार, ज़बरदस्त है। रिकमेंड करता हूँ मैं ये आपको, बहुत अच्छी है, क्योंकि अतरस का मैं काफ़ी शौकीन हूँ। और ये अंबर ख़ास है ओरिजिनल, इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है, ये भी बहुत अच्छी है। और बाकी देखते हैं ये कौन सी है, वाइट ऊद सुपर, काफ़ी अच्छी है यार ये भी माशाल्लाह, काफ़ी सब भी अच्छी हैं यार। बस ये दिरम है, दिरम थोड़ी जैसी हल्की है। तो ये अभी आई है सुल्तान ख़ास, सुल्तान यार ज़बरदस्त माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है ये खुशबू। बाजार वालों की अतर मैंने मंगवाई हैं, नाम तो सुना था लेकिन काफ़ी अच्छी हैं इनके पास अतरें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ यार आप लोग भी मंगवाओ। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है गिलाफ़े काबा स्पेशल। तो यार ये सबसे ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छी अतरें हैं यार। आए हाय 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 हाय, क्या बताऊँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी मेंशन करूंगा इनका, खुशबू बाजार वालों का, काफ़ी अच्छी अतर है यार। मेरी जितनी उम्मीद थी ना उससे बढ़कर अतरें भेजी हैं इन लोगों ने, काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा आ गया मुझे अतरों का। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा यार आप लोग भी इनसे मंगवाओ, काफ़ी अच्छी वैरायटी है और सस्ते में मिल जाती है। इनकी हर महीने कोई ना कोई सेल लगी होती है। ये मैंने मंगवाई थी 1475 रुपये में, ये मैंने मंगवाई थी, जो कि डिलीवरी फ्री है इनकी। और जो जैसे ही आपके पास ऑर्डर पहुंचता है तो आप उनको फिर पैसे कॉरियर वालों को देकर अपनी चीज़ें ले सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार इनकी सर्विसेज। तो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नहीं अगर आपने यहाँ से मंगवाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपने मंगवाई कौन सी थी और कैसी लगी आपको अतरें। मुझे तो यार काफ़ी अच्छी लगी हैं ये अतरें यार, दिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन एक शिकवा है इनसे यार, थोड़ी ऐसी पैकिंग को दुरुस्त करें अपनी, थोड़ा एक डब्बा बना लें, डब्बे के अंदर चीज़ डाल दिया करें तो उसके अंदर चीज़ अच्छी भी रहेगी। वेलकम टू द न्यू डे जी। तो हम लोग उस दिन रिव्यू करके फिर कोई काम नहीं था, वीडियो नहीं बनाई और छोड़ दिया अगले दिन के लिए, क्योंकि खुशबू टेस्ट भी करनी थी। और अभी तक कपड़ों के ऊपर खुशबू है, लेकिन खुशबू जब मैंने लगाई तो तीन चार घंटे खुशबू रही, उसके बाद कपड़ों पर अभी तक है लेकिन खुशबू आ रही नहीं है। तो इतना मैं आपको बता दूं, बस ये था खुशबू का रिव्यू। और अभी हम चलते हैं, थोड़ा आपने प्रीवियसली वीडियो में देखा होगा कि मैं बाइक का काम करवाने गया था और वो काम हुआ नहीं, तो अभी जा रहा हूँ बाइक का काम करवाने के लिए, क्योंकि बाइक की ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही और वो ब्रेक बनवाने जाएंगे बाइक की। अंदर से पूरा व्हील ख़राब हुआ है तो वो सेट करवाएंगे। फाइनली हमारी बाइक तैयार हो चुकी है और बाइक को आप लोग देख सकते हो यार, बाइक हमारी तैयार है। इस व्हील के अंदर काम था मेरे, इस व्हील के अंदर, तो ये काम निपट गया। ये व्हील के अंदर ब्रेक नहीं लग रही थी और बिल्कुल काम बिगड़ा हुआ था, तो इसको मैंने आज काम करवाया है। और जेबें खाली हो गई हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या करूँ।
तो जेबें खाली है भाई, भरो, कोई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, यार क्या करते हो यार, जेबें खाली भूई पड़ी हैं, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऊपर से करो सब्सक्राइब। और आज तो अभी देख सकते हैं आप लोग, हमारा तीसरा दिन चल रहा है व्लॉग का और मगरब का टाइम होने वाला है, तो मैं तो व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, अगर नहीं आया तो पसंद करने की कोशिश करो, पसंद करने की कोशिश करोगे आपको पसंद आ जाएगा और आप लाइक करोगे भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ओके फिर, पीस।